बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू डेली फंटास्टिक फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का पुलाव है, तो आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में 180 ग्राम्स जो है वो बटर ले लिया है, और हमारा बटर जो है वो जले नहीं, बर्न ना हो, तो इसलिए जो है वो हमने इसमें 2 चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड किए हैं। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पर 1 kg मटन है। आप यहाँ पे बीफ का यूज़ भी कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर मटन जो है वो विद बोन लिया है। आप चाहें तो विदाउट बोन भी ले सकते हैं, यानी बोनलेस भी ले सकते हैं। और हम मटन को यहाँ पर फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम गोश्त को इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है सफ़ेद काबली चने जो कि मैंने रात भर भिगो दिए थे, और वो भी मैं गोश्त में ऐड कर दूंगी। और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी और उसे चॉप कर लिया था, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जी यहाँ पर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद जो है वो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जी अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटो पेस्ट, और ये कैन टमाटो पेस्ट है, ये 180 ग्राम्स है, यानी 4 टेबलस्पून के बराबर जो है वो मैं इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करूँगी। इसकी वजह से इसका ज़ायका बहुत अच्छा आएगा। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाला जात है जिनमें है रेड चिली पाउडर, बिल्कुल बेसिक मसाले हैं, रोस्टेड क्यूमन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और नमक हम इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें यखनी, क्योंकि मेरे पास स्टॉक मौजूद था, इस वजह से जो है वो मैंने जो है वो स्टॉक इसमें ऐड किया, और मटन स्टॉक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो आप पानी का यूज़ कीजिए। और यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर दिया, और आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है बहुत अच्छे से जो है वो गल गया। हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना गोश्त को, हमें इस तरह रखना है कि हमें बोटी भी नज़र आती रहे और बहुत ज़्यादा घुल ना जाए गोश्त, और क्योंकि साथ में हमारे पास चने भी हैं तो चने भी घुल ना जाए, तो बस 20 मिनट्स जो हैं वो इनफ हैं। और फिर हम इसे एक बड़े पतीले में जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे, और यहाँ पर मेरे पास भीगे हुए चावल थे जिनको मैंने पहले से भिगो लिया था। ये 1 kg राइस है, मैं 1 kg राइस के हिसाब से जो है वो रेसिपी को बना रही हूँ। 1 kg ही राइस है और 1 kg ही मटन है। मैं यहाँ पर बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पानी इसमें ऐड किया, क्योंकि मैंने चावलों को पहले से भिगोया हुआ था, इसीलिए मैं सिर्फ इसमें 6 ग्लास पानी ऐड करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास कुछ लेमन स्लाइसेस हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और लहसुन को ऐड कर देंगे। जी तो यहाँ पर हम बॉयल आने देंगे, और जैसे ही चावलों का पानी 75% तक खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे दम देंगे। तो यहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली हमारा जो चावलों का पानी है वो ड्राई हो चुका है, और हमारे चावल जो है वो दम पे आ चुके हैं, तो मैं इसे कवर कर दूंगी, और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे, और उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हमारा एक स्टेप बाकी है, तो स्टे ट्यून्ड। जी तो व्यूवर्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा पुलाव माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन चुका है, और कितने ज़बरदस्त खिले खिले से चावल हैं, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो इससे हमारे पुलाव में जो है वो बहुत मज़े का जायका आ जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त, देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा, और खाने में तो मज़ेदार होगा ही। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम्स बटर ले लिया, और कुछ नट्स हैं मेरे पास, उनको फ्राई कर लेंगे। तो हम इसे जो है वो फ्राई कर लेंगे, और फिर हम इसे चावलों के ऊपर डालेंगे। हाफ
जो ड्राई फ्रूट है उसको हम चावलों के ऊपर डालेंगे और बाकी हम गार्निश के लिए रिज़र्व कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव जो है वो बन के रेडी हो चुका है, और आप इसे अपनी दावतों में बनाएं और अपने घर वालों के लिए बनाएं और ईद को एंजॉय कीजिए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।